हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि मेंडले सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मेंडले क्यों यूज़ होता है। जब आप कोई रिसर्च या रिव्यू या किसी भी तरह का ऑनलाइन आर्टिकल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो रेफरेंसिंग होती है उसको सेट करने के लिए हम मेंडले को यूज़ करते हैं। मेंडले एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी बहुत हेल्प करता है किसी भी आर्टिकल की रेफरेंसिंग स्टाइल को सेट करने के लिए। इसमें 10,000 से ज़्यादा रेफरेंसिंग स्टाइल अवेलेबल है और आप जब चाहें उन्हें किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर फ्रॉम एनी जर्नल। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि मेंडले डेस्कटॉप को कैसे यूज़ करें, कैसे डाउनलोड करें। तो हाँ जी, आप अपना ब्राउज़र खोल लें सबसे पहले, उसके बाद mendeley.com खोलना है आपको। अब इसके अंदर हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जो कि फ्रीली क्रिएट होता है। ये राइट साइड अपर कॉर्नर में देखिए दिया हुआ है साइन इन, क्रिएट अकाउंट एंड डाउनलोड। यहाँ से हम उसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, ये रीडायरेक्ट करेगा आपको नए वेब पेज पर जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड मेंडेले डेस्कटॉप। ओके, आप यहां से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें, ये बहुत ही आसान है। उससे पहले हम यहां पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। हमारा अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमको ईमेल एड्रेस, हमारा जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो, फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम और पासवर्ड। पासवर्ड हमें हमारा ईमेल एड्रेस का ना डालते हुए, जो भी हम यहाँ चाहते हैं कि मेंडेले की वेबसाइट पर हमारा ये पासवर्ड रहे तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं। देन कंटिन्यू करके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है सो मैं इसमें टाइम ना बर्बाद करूँगा। हम इसे क्लोज करेंगे जब तक हमारा मेंडेले डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड भी हो चुका होगा। डाउनलोड होने के बाद हम उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन आपका क्रिएट हो जाएगा, मेंडेले डेस्कटॉप। मेंडेले डेस्कटॉप को हम ओपन करेंगे। इस वीडियो में हम मेंडेले डेस्कटॉप चलाना सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन भी सीखेंगे। इसको ओपन करने के बाद ऐसा विंडो खुलेगा जिसमें जिसके अंदर आपको अपना मेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते वक्त क्रिएट किया था। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आप लॉगिन रहें तो आप स्टे साइन इन पर राइट क्लिक कर सकते हैं। हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फर्स्ट टाइम यूजिंग नोट आएगा इसके अंदर, फिर यहाँ पे थोड़ी सी टिप्स आएंगी। ये जो पैनल है ये आपको दिखने लगेगा ऐसा। इसमें कुछ आर्टिकल्स मैंने पहले से ऐड करे हैं, ये इसलिए आपको दिख रहे हैं। आप सिंपली आपको आपने जो भी रिसर्च के लिए आपका जो डाटा इकट्ठा किया है, बहुत सारे पीडीएफ इकट्ठे किए हैं तो इस पीडीएफ को आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। ये पीडीएफ पर ही काम करता है, इसीलिए जितना भी आप आर्टिकल डाउनलोड करें पीडीएफ में ही करें। अगर आपके पास वेबसाइट के लिंक्स हैं और वेबसाइट वेब पेजेस हैं जहां से आप रेफरेंसिंग लेना चाह रहे हैं उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब ऑनलाइन मेंडेले यूज़ करना सीखेंगे, जब मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में यहाँ पर ऐड का एक बार होता है, यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। एड पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपके कुछ आर्टिकल्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, जहाँ भी आर्टिकल्स रखे हैं वहाँ पर जाकर जो पीडीएफ फाइल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और उनको ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो मेंडेले है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। देखिए ये ऐड कर रहा है, उन्हें इम्पोर्ट कर रहा है। 2 GB स्पेस, 2 GB ऑफ स्पेस आपको मेंडेले देता है जिसके अंदर आप इसको डाल सकते हो। ये जो चीज़ आप डालोगे ये क्लाउड में जाकर सेव हो जाएगी, जबकि आप उसको ऑनलाइन भी यूज़ करेंगे तो भी आपको ये आर्टिकल सारे अपने वहाँ पर दिखेंगे। अब देखिए जो पहला आर्टिकल है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इधर राइट साइड में आपको उसकी डिटेल्स दिखने लगेगी। व्हाट इज़ द टाइटल, ऑथर्स नेम, जर्नल नेम जहाँ पर पब्लिश हुआ है वो, ईयर, वॉल्यूम, इशू, पेजेस, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अगर आपको लगता है ये ऑटोमेटिकली वैसे इन चीज़ों को ले लेता है, पर कभी आपको लगता है कि नहीं दिया हो तो आप उसके अंदर इसको मैन्युअली फिल कर सकते हो, लाइक दिस क्लिक करके और उसे फिल कर सकते हो जैसा भी आपको लगता है। ओके, एक बार ये चेक कर लें और वेरीफाई कर लें कि ये जो डिटेल्स हैं सही हैं। अब आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ को आप खोलें, यहाँ पर अगर पीडीएफ का आइकॉन दिख रहा है दैट मीन्स इसकी पीडीएफ
ऑफलाइन अवेलेबल है, ओके। जैसे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ खुल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, ये पेन दिया हुआ है सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, नोट लिखने के लिए, आप कहीं नोट लिखना चाहते हैं तो, ओके। उसके बाद कलर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, जूम करने के लिए, फुल स्क्रीन के लिए, ये छोटा सा मतलब एक पेन दिया है इन्होंने, जहाँ पर हम जो छोटी मोटी चीज़ें जो पीडीएफ रीडर में कर सकते हैं वही चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ से अपन जब कॉपी पेस्ट करते हैं किसी वर्ड की फाइल में, देन यहाँ से जो फॉर्मेट जाता है वो बहुत ही अच्छा जाता है। वापस हम हमारी लाइब्रेरी में जा सकते हैं। अगर हम दो तीन रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल पे एक साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपना फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फोल्डर करके हम यहाँ पर इसके अंदर भी आर्टिकल हाँ, तो हम यहाँ पर हमारा एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फोल्डर पर जाकर फोल्डर का आप नेम रख सकते हैं आर्टिकल 001, और फिर इसके अंदर हम आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, यहीं से जाकर ऐड कर सकते हैं। और हम ऑल डॉक्यूमेंट्स में जाकर अगर हम चाहते हैं कि हमने पहले ही ऐड कर चुके हैं देन उनको ड्रॉप कर सकते हैं आर्टिकल, ओके। देन हम जब ये फोल्डर खोलेंगे तो इसमें तीन आर्टिकल हमें दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये ऐड करने के बाद हम इनको कैसे इंपोर्ट करेंगे वर्ड के अंदर, तो वर्ड में इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक टूल वाला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपको करना है इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा उस समय, ओके। जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे और इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, 2 सेकंड के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें उसके लिए एमएस वर्ड खोलना पड़ेगा। फिर हम एमएस वर्ड को खोलेंगे, आप चाहें तो बहुत सारे आर्टिकल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, पर इसकी लिमिट है 2GB तक, 2GB के ऊपर हम इसमें आर्टिकल ऐड नहीं कर पाएंगे। अब ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं उसको देखने के लिए हम जाएंगे रेफरेंस वाले सेक्शन में। रेफरेंस वाले सेक्शन के अंदर हमें ऑटोमेटिकली एक बार दिखने लगेगा मेंडले साइटोमेटिक, ओके। ये बार के अंदर जो भी हम उसमें से चाहें तो इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं रेफरेंस स्टाइल को, ओके। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पीडीएफ खोला है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पीडीएफ हम खोलना चाह रहे हैं, इससे कुछ टेक्स्ट आपने अपने उसमें लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेक्स्ट, ओके। ये टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया, हम वर्ड में गए, हमने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करके फिर आपने उसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे हम उसको, और उसके बाद ऐसे ही करके हम बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं इसका टाइटल थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि इसका टाइटल क्या है, यूरोपियन एडवांटेजेस ऑफ को क्रिस्टलाइजेशन, ओके। देन हम कोई दूसरा आर्टिकल लेंगे जिसे हाइड्रोटॉपी का आर्टिकल था, यहाँ से भी हमने कुछ कंटेंट कॉपी किया और हमने इसे यहाँ लिख दिया, सर ये सही से कॉपी हो नहीं पाया, यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे। कुछ सेटिंग में चेंजेस हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट सही से नहीं आता है इसके अंदर कभी, तो हम उसको सेट कर लेंगे अपने लेवल पर। ठीक है, अभी सिर्फ हमें समझना है इसलिए हम लोग टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें उस जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसकी रेफरेंसिंग डालनी है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करेंगे, और हमारे आर्टिकल का नाम क्या था जो हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ कोक्रिस्टलाइजेशन, ओके। ये आर्टिकल यहाँ पर दिखने लगा, एक ये बार खुलेगा मेंडले का जिसके अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, ओके। ऑटोमेटिकली वहाँ लिखा हुआ आएगा फॉर्मेटिंग साइटेशन और ये 1 लिखा हुआ गया, ओके। ये हमने जो स्टाइल है यहाँ पर वैनकोवर सिलेक्ट कर रखी है, यहाँ से हम अगर चाहें तो दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है।
हमारी स्टाइल वैनकोर लेंगे हम इसके अंदर, तो ये अपन ने एक नंबर करा। देन उसके बाद इसके लिए वापस से हम साइटेशन पे क्लिक करेंगे और वापस से अपना को क्रिस्टलाइजेशन, जैसे इसका जो अपन ने लिया था फॉर एग्जांपल ये वाला हमने आर्टिकल लिया था, ये करके ओके कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली उसको नंबर दे देगा 2 नंबर। ओके, पहले 1 दिया था 2 दिया था, वैसे करके हम जितने भी रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर 2, 3, 4 up to 10, 15 thousand, एंड में हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे हम रेफरेंसिंग चाहते हैं वहाँ जाकर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ये ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बिब्लियोग्राफी को सेट कर देगा। अब आप कभी भी चाहते हैं कि मैं इसकी बिब्लियोग्राफी चेंज करूँ तो यहाँ पर जाके आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट चेंज होगा और यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो इससे आप किसी भी टाइप की किसी भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। अगर इन स्टाइल में आपकी स्टाइल नहीं दी गई है तो मोर स्टाइल पे क्लिक कर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, गेट मोर स्टाइल हमें नेट पे मिल जाती है और इंस्टॉल्ड वाली वेब इससे भी अपने को मिल जाती है। ठीक है, ये वर्ड के अंदर कैसे इंपोर्ट करें और फिर आप इस वर्ड फाइल को कभी भी कहीं भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हम दिखाना चाहते थे, अगली वीडियो में हम ऑनलाइन कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू, हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।